हेलो गाइज, क्या हाल चाल। हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर से एक और सिटी स्काईलाइन 2 के मजेदार एपिसोड के साथ में। सो गाइज, लास्ट टाइम यार अपन ने अपनी यूनिवर्सिटी भाई बनवा दी थी और एक हाई डेंसिटी जोन जो हमने यहाँ पे सेट करा था। तो आज अपने को यहाँ पे बहुत कुछ करना है। तो चलो मैं तुमको सबसे पहले सिटी का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सिटी के अंदर अपनी हो चुकी है गाइज 30,000 पॉपुलेशन, और ये देख लो भाई जबरदस्त लग रही है यहाँ पे सीन। फॉर्म भी कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है गाइज अपना हाई स्कूल जो कि है खतरनाक। तो लास्ट टाइम यू नो पैच आया तो उसमें काफ़ी सारे बग्स वगैरह फिक्स हो गए थे। अभी मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि भाई सिटी के अंदर यू नो सब कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ सही चल रहा है। अपन ने एकदम सही से सब कुछ मैनेज कर रहा है, और भी आज अपन अच्छे से चल के मैनेज कर देंगे। और भाई सिटी का नज़ारा देखो भाई तुम, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसी एक भी ऐसा स्पॉट नहीं है जिसको देख के ऐसा लग रहा हो कि भाई नहीं भाई ये वाला एरिया यू नो सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पर देख लो भाई, लो डेंसिटी वगैरह सब कुछ अपना ज़बरदस्त चल रहा है। तो आज का बेसिकली प्लान मेरा ये है गाइस कि वाटर ट्रीटमेंट बनाने का, ऑल्सो अपन गारबेज वगैरह का थोड़ा और अपग्रेड वगैरह आज अपन देखेंगे। देखते हैं और क्या क्या आज अपन करते हैं। मे बी आज थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी क्रिएट करने का मेरा प्लान है, क्योंकि लास्ट टाइम जो अपन ने हाई डेंसिटी वाला बनवाया था ना उसके यहाँ। तो भाई ये देखो भाई इसका स्क्रिपर्स कितने मस्त लग रहे हैं। यहाँ से डबल रोड अपन ने बना के रखी, ऊपर नीचे दो लेवल्स पे यहाँ पे रोड बना के रखी हुई है अपन ने ये वाली। तो चलो भाई चलते हैं सीधा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ, आई थिंक वहीं से शुरुआत करते हैं। तो काफ़ी टाइम से बंदे बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे बहुत ही ख़राब लग रहा है ये रेडिएटर टाइप समथिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो है गार्बेज का इशू आ रहा है। सो लेट्स गो। सो गाइज अभी अपन यहाँ पे जो ये सीवेज का है ना, यहाँ पे एकदम सबसे सही करने वाले हैं ये सब कुछ। यहाँ पे रेड बिल्कुल हटा देंगे आज। तो अपने को सबसे पहले चल के बिल्डिंग्स वगैरह अनलॉक करनी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल मत बोलना। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो गाइज इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए अपने को एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अनलॉक करना पड़ेगा। तो वो कर लेते हैं। अपने पास भाई बहुत सारे पॉइंट्स पड़े, 35 पॉइंट्स पड़े हैं जिसका अपन ने यूज नहीं करा है। तो यहाँ पे चलते हैं वाटर पे, और यहाँ पे है गाइज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो इसको अनलॉक कर लेते हैं, आई थिंक 2 पॉइंट्स लगते हैं, ज़्यादा नहीं है। लेट्स गो। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार तो कितना बड़ा है भाई ये, ठीक है ये सब देख लेते हैं। तो ये है गाइज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और ये कितना करता है मतलब अपकीप इसका 100 के, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब 3 लाख पर मंथ कर देगा। ये प्योरिफिकेशन रेट 50% है जिसका, ओके। ग्राउंड पोल्यूशन लो होता है, एयर पोल्यूशन लो होता है, और नॉइस पोल्यूशन मीडियम। तो भाई यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सेट बैठ सकती है। तो देखते हैं, अपने पास ये वाला ब्लॉक पड़ा हुआ ना, ठीक है नाइस। तो ये काम करते गेम को कर लेते हैं स्टॉप, और ये वाले जो दो है ना भाई इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अभी आ जाते हैं आई थिंक यहाँ पे, और थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं। और इसके लेवल तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मतलब इसके लेवल रखेंगे अपन नीचे वाले के लेवल ही, ठीक है। तो काफ़ी औसम रहेगा आई थिंक सो। तो यहाँ पे की वॉल वगैरह वो सब सेट करने का मेरा प्लान है, ताकि यू नो देखने में थोड़ा एरिया सही सा लगे अपना। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सपेंड करूँगा, और मे बी यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं कुछ बनवा दूँ, मे बी आई हैव नो आइडिया, फार्म्स वगैरह या फिर नो आइडिया मेरे को। बाकी यहाँ पे कुछ ऑफिसेज वगैरह आई थिंक वो सब डलवा सकते हैं ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इधर चल रही है ऑफिसेज वगैरह, तो वो सब सीन यहाँ पे सेट बैठ सकता है थोड़ा सा, राइट। तो ट्राई करेंगे थोड़ा बनवाने का, लेट्स सी। तो भाई एक तो ये वाला एरिया पहले तो अपने स्मूथ करना पड़ेगा सारा का सारा। अभी मेरे को यहाँ पे चल के ना की वॉल सेट करवाने के गाइस, तो लेट्स सी। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने सेट कर लिया भाई की वॉल लगा के, इसमें काफ़ी टाइम लगी है। की वॉल लगाना थोड़ा सा ट्रिकी है भाई इस गेम में अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से मैंने डाली भाई यहाँ पे की वॉल। तो यहाँ तक एकदम सही से बैठा दिया मैंने। सो चलो भाई यहाँ पे चल के अपन इसको सही सेट कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे ये रोड कनेक्ट करी ना, उसके चक्कर में इनका ग्रिड खराब हो गया, ठीक है। इन पर कंडेम्ड लिखा था ना, जिसपे मतलब अपन कई बार कनेक्ट करते हैं ना रोड वगैरह, तो इनके ग्रिड सरक जाते हैं इधर उधर, तो फिर बिल्डिंग वापस से बनती है वो डिलीट होके। तो चलो भाई यहाँ पे अभी अपन सेट करने वाले हैं चल के। तो फिलहाल मैं इसको ना ले लेता हूँ भाई यहाँ पे, आई थिंक स्ट्रेट ले लेता हूँ, ठीक है। और मे बी इसको यहाँ से भी कहीं से कनेक्ट कर देते हैं इसके अंदर। ऑल्सो इसको लेते हैं मे बी इधर, और इधर से कर देते हैं ये वाले कॉर्नर पर, ठीक है। इतना रख लेते फिलहाल के लिए, तो आई थिंक ये रहेगा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे आ जाते गाइस वाटर पे, और यहाँ पे आके बनाने वाले अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट। अब मेरे को पता नहीं मतलब कितना स्पेस चाहिए भाई इसके चारों साइड में, ठीक है। एक बार यहाँ पे बना के टेस्टिंग कर लेते हैं। तो भाई अकेला कितना प्रोसेस कर सकता था, 3 लाख m³ कर सकता था, राइट। जितना अपन ने देखा था वहाँ पे, एक सेकेंड, 3 लाख पर मंथ कर सकता है। और अपना जो प्रोडक्शन कितना हो रहा है भाई, है ना, क्या वो हम वही देख सकते थे। चलो कोई नहीं, यहाँ से देख लेता हूँ मैं। तो अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है गाइस वो हो रहा है 1,98, और इसकी कैपेसिटी कितनी है अभी, 3 लाख थी ना शायद से। तो चलो कोई नहीं, एक बार मैं इसको कर देता हूँ स्टार्ट, और देखते हैं यहाँ पे 1,98 कंजप्शन है, और 1,98 सीवेज ट्रीटमेंट है अपना, ठीक है। प्रोसेसिंग अपना हो गया गाइस 3 लाख, ठीक है। प्रोडक्शन पर इतना है, प्रोसेसिंग 3 लाख हो गया, ठीक है। मतलब ये काफ़ी औसम है। तो चलो भाई अब देखते हैं इसकी अपग्रेड्स क्या क्या हैं, ठीक है।
तो इसका एक तो अपग्रेड है इंक्रीज द सीवेज प्योरिफिकेशन रेट, तो 25% प्योरिफिकेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा इसका। नाइस नाइस नाइस, चलो भाई। ओ ओ वेट एडवांस, अच्छा ये साइड में आएगा इसके। ओके तो मतलब यार ये मैं दोनों साइड में नहीं लगा पाऊंगा है ना। ओके तो इसको कितना बड़ा ब्लॉक चाहिए भाई, इसको एटलीस्ट आगे तक का चाहिए ना, मतलब दो ब्लॉक हो चाहिए इसको इस लेफ्ट साइड में राइट। और ये वाले को कितना चाहिए, ये वाला क्या है, प्रोवाइडेड इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी फॉर द फैसिलिटी की इतना सीवेज ट्रीटमेंट 2500 मीटर क्यूबिक पर मंथ। ठीक है इससे अपन थोड़ा और इंक्रीज करवा सकते हैं इसकी कैपेसिटी पर मंथ, लेकिन मेरे को यार ये डलवाना था प्योरिफिकेशन रेट। अगर मैं मल्टीपल डलवाऊंगा तो क्या सर आएगा, एक बार ना अपन टेस्टिंग के लिए कर सकता हूँ क्या मैं इसको, एक सेकेंड को मेरे को ठीक है स्टॉप। और ये वाली बिल्डिंग को उठा के थोड़ा सा साइड में कर रहा होगा इसमें। ओके आई थिंक अभी फिट होना चाहिए, यस चलो ये यहाँ पे आ गया, इसके बाद में मैं लेफ्ट में दे दूंगा। ओके तो लेट्स गो। तो यहाँ पे 75 हो गया गाइस, पहले था यहाँ पे 50, अभी हो गया 75 राइट। ओके ग्रेट, तो मे बी एक लेफ्ट साइड में और दे देंगे अपन, तो मे बी ये वाली रोड निकाल देता हूँ, जरूरत नहीं अपने को लेफ्ट वाली रोड की मे बी करेक्ट। या फिर अपन ये वाली प्लांट को यू ना यहाँ पे भी दे सकते थे इसके इधर करेक्ट। एक सेकेंड, इसके इधर अगर मैं दे दूंगा तो इसके साइड में दे सकता हूँ मैं एक फैसिलिटी। और नाइस ये वाले कॉन्टेक्ट से ही बैठ रही गाइस। ओके बाद में कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी तो इसके यहाँ पे एक डाल सकता हूँ मैं राइट। तो इसका क्या सीन है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी राइट। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना था, 300,000 था ना अपना, तो सीवेज ट्रीटमेंट 327 कैसे हो रहा है फिर इसका यार। इससे भी इंक्रीज होती है क्या इस बाजू वाली बिल्डिंग से भी, इससे प्योरिफिकेशन रेट इंक्रीज होता है, मे भी थोड़ा बहुत होता होगा आई हैव नो आइडिया। बाकी 327 इसकी कैपेसिटी जरूर हो गई है, अभी मेरे को क्या डिलीट करके देखना पड़ता वो मैंने ध्यान दिया नहीं इतना। और इससे मे भी 2500 यार, वैसे देखा जाए इतना बड़ा प्लांट है ये 327 राइट, एक बना के देख लेते हैं चलो देखते हैं 327 329। माई गॉड भाई सीरियसली यार, अपग्रेड से एटलीस्ट थोड़ा तो ज़्यादा देना चाहिए ना भाई इनको ड्यूड्स। चलो कोई नहीं, अच्छा इतना भी तो कम ज़्यादा भी हो रहा है, वैसे देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि बेस की तो थी भाई अपनी कितनी 300,000 थी राइट। और इससे यार देखा जाए तो सीवेज ट्रीटमेंट 2500 ही है इंक्रीज, ये थोड़ा कम लगा रहा है यार मेरे को, थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए एटलीस्ट 50-50 के तो देने चाहिए थे। बाकी देख लेंगे, ये ऊपर नीचे चल रहा है ना यहाँ पे, थोड़ा सही से कैलकुलेट हो नहीं पा रहा है मेरे हिसाब से, वैसे तो ये हो रहा होगा बट अपने को सही से नज़र नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पे UI पे। तो भाई देखने में तो खतरनाक लग रहा है यार ये वाला प्लांट है ना, क्या इसके बाजू में और आ सकता है, मेरे को ट्राई करके देखना भाई यार इसके बाजू में तो नहीं आ सकता भाई, नहीं तो मैं इसके बाजू में जरूर बनवा देता यार, ऐसे मल्टीपल चले जाते तो आगे पीछे है ना मजा आ जाता, ड्यूड्स मल्टीपल्स डाल देते इसके आगे पीछे। ओके कोई बात नहीं, वैसे मल्टीपल्स में हम वो भी डाल सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे खींच के है ना, और फिर इसके सारे चीनों रास्ते कनेक्ट कर दें, फिर इसको हाफ इधर हाफ उधर लेके उस तरह से जुगाड़ बैठा कर सकते थे अपन, पर ठीक है भाई मेरे हिसाब से ठीक है ना। अभी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आ रही। और यहाँ पे क्या ट्रैफिक जाम लगा भाई, यहाँ पे ट्रैफिक जाम किस लिए लगा है बे, रास्ता चेंज करने के चक्कर में ट्रैफिक जाम लगा ड्यूड्स, कितना बड़ा जाम लगा, अच्छा यहाँ तक जाम लग गया और पीछे भी जाम लग गया। ओके यहाँ पे क्यों जाम लगा है भाई, यहाँ पे भी लेन चेंज करने के चक्कर में जाम लग गया। ओके तो क्या मैं इसको डबल कर सकता हूँ, आई हैव नो आइडिया, मैं डबल करके एक बार ट्राई जरूर कर लेता हूँ इसको ना, अपग्रेड अपग्रेड, इसको भी अपग्रेड करते हैं, इसको भी अपग्रेड कर देते हैं, लेट्स सी क्या ये डबल लाइन वर्थ इट रहेगी। वैसे देखा जाता है काफ़ी औसम लग रहा है ना, अभी डबल डबल ट्रैफिक जा सकता है मे बी, तो सेंटर से शायद वो बंदे जाने चाहिए जिनको आगे भी जाना और लेफ्ट में भी जाना है ना। यस एक बाइक वाला आगे निकल गया सीधा, बढ़िया यार, ये बच्चों दिन आगरो भाई बीच बीच में से इधर उधर घुस जाते बंदे। चलो मेरे को लग रहा है रफ्तार बढ़ी यहाँ पे, वो भाई रोड पूरी फिल होकर चल रही है भाई यहाँ पे, मस्त सीन है ना। तो यार कुछ टाइम पहले ना यहाँ पे भी जाम लग गया था एक बार है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या करा ये वाला एकदम शॉर्टकट दे दिया मैंने, बाकी ये सारा का सारा ट्रैफिक भाई जाना इधर के साइड में ग्रेट। ओके तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट वाली लाइन को किस तरह से अपन बंद कर सकते हैं क्या, आई हैव नो आइडिया। यहाँ पे ऐसा कोई रोड नहीं है जिसपे 3 लेन्स और एक साइड में 2 लेन्स हो यार, ऐसा होना चाहिए ना, एक साइड में 3 लेन्स आ रही है, एक साइड में 2 लेन्स आ रही है, बाकी एक ही रोड है ना, दैट्स वाई ये वाली, बाकी ये वाले ट्रैफिक थोड़ा वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, बाकी यार ये बंदे क्यों इधर वेट कर रहे भाई इतना, ओह माय गॉड
ये वाले बाइक वाले को इधर घुसाना है और देखता हूँ जरा जाएगा कहाँ ये बाइक वाला, सीधा ही जाना है। अच्छा सीधा नहीं जा रहा, उधर जाना था इसको। फिर भाई उस लाइन में क्यों आया था भाई, पीछे से चेंज करके आता अपनी लाइन। ये देखो इधर वाले लाइन इधर आया है, फिर ये वाले ये गड़बड़ कर देते जो एकदम से घूमते ना इसके अंदर। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे भी तीन तीन लेन वाला जो अपग्रेड करा था, ऑल्सो यहाँ पे चार लेन कर दिया ताकि इस साइड में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बाकी प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है। कई बार क्या है ट्रैफिक इधर उधर लाइनें चेंज करते हैं, उस चक्कर में फिर गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। चलो भाई दिखाओ जरा भी नेक्स्ट सीन क्या है। तो लैंडफिल साइट ये वाली काफ़ी भरने वाली मेरे को ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे चलते हैं गैस, है ना। और इसका प्रोसेसिंग कैपेसिटी 40 है, ओके, इंक्रीशन प्लांट का। और अपना जो प्रोडक्शन हो रहा है ना गार्बेज का वो ज़्यादा था, कितना 100 के आसपास था, 108 हो गया, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी अपने को इंक्रीज करवानी थी आज, तो चलो भाई चल के इंक्रीज करवाते हैं। तो यहाँ पे अपनी है 40, तो इससे 25 टन और इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर अपन ये वाली एक्स्ट्रा फर्नेस इसके अंदर लगवा देते हैं, तो चलो मैंने फर्नेस लगवा दी इसके अंदर, अभी 65 हो गई है, बढ़िया। और इससे क्या होएगा, 10 गार्बेज के ट्रक्स आ जाएंगे, वैसे इसके यूज में हो नहीं रहे, तो 10 का करेंगे क्या हम लोग। स्टोरेज कैपेसिटी 250 टन, ओ माई गॉड, ये वाली बिल्डिंग अकेला 250 टन स्टोर कर सकती है भाई साहब। चल कोई बात नहीं, एक दे देते हैं फैसिलिटी एक डलवा देते हैं, इसके पीछे और डलवा देंगे मे बी एक, ठीक है बाद में, आई थिंक सो। बाकी इसके अंदर 400 टन तक स्टोर हो सकता है और ये 65 टन तक प्रोसेस कर सकती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं 65 यहाँ से प्रोसेस हो जाएगा अपना, और यहाँ से कितना था 16, ओके। तो यहाँ पे कहीं पे दिखाना भी चाहिए भाई कितना प्रोसेस करवा रहे हैं हम लोग, प्रोसेसिंग 90 टन हो रही है अपनी, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा सीन है अपना, 90 टन तक अपन प्रोसेस भी करवा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं काम कर रहा हूँ फिर, ये वाला जो अपना रिसाइकलिंग सेंटर था राइट, ये काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है गाइस। इसका जो अपकीप है वो है 4,60,000, ओके। और इसका कितना है 325, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी 40 मेगावाट जनरेट कर रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी, वेट OMG, मतलब कंजप्शन अपना 80, प्रोडक्शन अपना 109 कर रहे हो OMG। तो यार मेरे को तो लग रहा है ये वाला ज्यादा बेटर है, इनक्रिएशन प्लांट है ना, ये तो डबल दे देता हूँ मैं फिर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी अपन जनरेट करवा रहे भाई, नेक्स्ट लेवल रहेगा मे बी गाइस, ये अपने को डबल करवा देना चाहिए, ओके। व्हाट यू थिंक, लेट्स सी, इसको मैं करवा देता हूँ, आई थिंक डबल करवा देता हूँ, प्रोसेस होने तो दवा दवा के। इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी अच्छी खासी बन रही भाई, मेरे को लगा था इतनी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, लेकिन भाई सच में काफ़ी बन रही इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये तो बात माननी पड़ेगी। ये क्या तिरछा बना है, ग्रिड देख के लग रहा है मेरे को तिरछा बना है। इधर चल के अपन एक और बनवाने वाले भी इंक्रीएशन प्लांट, सो लेट्स गो इंक्रीएशन प्लांट आज भाई, आई थिंक इधर ही आना था तेरे को राइट। इसके अलावा और कुछ तो नहीं था ना इसमें, अच्छा बाजू में अपग्रेड करने थे इसके, ठीक है वो हम कर देंगे। बाजू में अपग्रेड्स डालना था राइट मेरे को, ओके चलो चल के बाजू में अपग्रेड डाल देता हूँ पहले, इसमें अपग्रेड करवा ही डालते देखी जाएगी, ओके। ट्रक डेपो की अपने कोई ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज एक्सटेंशन आई थिंक ले लेते हैं अपन एक्स्ट्रा एक, ठीक है एक इधर ले लेंगे, बाद में जरूरत पड़ेगी तो और एक्सपेंड कर लेंगे। और रही बात इलेक्ट्रिसिटी की, तो आ जाओ भाई इलेक्ट्रिसिटी लेके चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करता हूँ इसको, ठीक है। और फिर ये वाले पोल के अंदर लेके चलते हैं, ग्रेट। तो यहाँ पे जो है कनेक्ट हो जाएगा, बढ़िया। अभी आ जाते हैं थोड़ा इधर, और इधर से इसके पीछे से निकाल लेते हैं आई थिंक, मस्त जाने देते हैं यहाँ तक। तो चलो गाइस अभी अपना ये डबल हो गया है आई थिंक, प्रोसेसिंग कैपेसिटी अभी अपनी खतरनाक हो गई होगी। एक सेकंड रुको, प्रोसेसिंग कैपेसिटी किधर है, 136 टन हो गई गाइस प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी अपनी राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये वाला कितना हैंडल कर सकता था, 772 राइट। तो ये वाले को अपन डिलीट कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत मेरे को लगता नहीं पड़ेगी, ओके। और रही बात इसके अंदर ट्रक्स इंक्रीज करने की राइट, तो इससे क्या होएगा प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होएगा 10 ट्रक्स आ जाएंगे, चलो इंक्रीज करवा दो ज़रा। और इसके अंदर कितने हो गए अभी व्हीकल्स, 20 हो गए ना, 20 ट्रक्स की कैपेसिटी होगी गाइस यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी औसम रहेगा राइट। अभी मैं ये वाला प्लांट डिलीट कर देता हूँ, चलो वैसे यहाँ पे इम्पट्टी का ऑप्शन देख रखा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको डिलीट करने का। क्या ये फिक्स हो गया, ये ऐसा अभी तक फिक्स नहीं हुआ इसको डिलीट कर सकते भाई अपन, ओके अभी तक ये चीज़ फिक्स नहीं हुई है, ओके। तो मतलब इस चीज़ का अपन यूज कर सकते हैं गार्बेज को ख़त्म करने के लिए। एक बंदे ने कमेंट भी करा था भाई ये वाला बग अभी तक फिक्स नहीं हुआ, मुझे लगा लास्ट वाले पैच में करा होगा उन्होंने, बट नहीं करा ये वाला, पता नहीं उनको मालूम है कि नहीं मालूम है, बाकी ये वाली चीज़ तो अभी तक फिक्स नहीं हुई है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे अपन फार्मिंग डाल देंगे, जब इंक्रीज होगी ना मस्त लगेगी यहाँ पे फार्मिंग वगैरह, ग्रेट। तो ये था थोड़ा सा अपना सीन इधर, अभी देखते हैं जरा आई थिंक ये वाला मिलके हैंडल कर लेगा, ठीक है अपना गार्बेज का अकेला। तो यहाँ पे देख रहे हो ट्रक्स अभी जा रहे हैं, बाकी दिक्कत आएगी तो इनके अंदर ऑलरेडी ट्रक्स हैं भाई 20-20, ये वाले भी चले जाते हैं कई बार यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से उठाने के लिए। तो मे बी दो प्लांट्स हैं अपने जो चलेंगे, और अभी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कितनी बन रही है इनके अंदर से,
इसके अंदर से 30 बन रही है और इसके अंदर से 16 बन रही है, ठीक है। मतलब अपन एक्सपोर्ट करवा रहे हैं ना, तो चलो यहाँ से भी अपना पैसा बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे चलते गए इस बजट पे और आई थिंक टैक्सेशन पे या फिर कहाँ पे था वो, मेरे को सर्विस फीस का कुछ दिखा था कुछ टाइम पहले, सर्विसेज पे, राइट, यस। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे ना गाइज, एक तो बजट है, मतलब बजट से अपन अपनी एफिशिएंसी कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने को इंक्रीज करना है प्रोडक्शन, कितना कम करना है। और सर्विस फीस से अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो जो लोग यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उनसे कितना चार्ज करना है अपने को, ठीक है। वो सब यहां से अपने को डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं सबको ना छूट दे रहा हूं गाइस, थोड़ी सी 10% की सबको मैं छूट दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में 10% को सबकी छूट मिलेगी एंड ऑल्सो वाटर में 10% सबको छूट देते हैं भाई, ओके। इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है शायद से, मेरे को लग रहा है सर्विस फीस अपन दो ही चीज़ों से ले सकते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैंने 10% की छूट दे दी है सबको, इससे क्या इंक्रीज होगा क्या प्रोडक्शन वगैरह, उसका मेरे को आइडिया है नहीं। 4, 18, 3, 35 अपना यहाँ पे आई थिंक ठीक चल रहा है, अपने को थोड़ा सीवेज ट्रीटमेंट पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाद में अपन और इंक्रीज करवा देंगे। 83 कंजप्शन हो रहा है अपना, ठीक है। तो अपना अभी क्या होगा कि जो बिजनेस वगैरह जो चल रहे हैं सिटी के अंदर, उनको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, अपन थोड़ा कम ले लेंगे। वैसे भी यार अपने को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मंथली थोड़ा 27,000-28,000 भी दिखा रहा है, बट ये इंक्रीज हो जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। विल सी, अभी यहाँ पे आ जाते हैं गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे सेट करना है अपने को। तो यहाँ पे सीन क्या है कि हर जगह ये देख रहे हो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पार्किंग लॉट भी सारे खुल रहे हैं, राइट। तो आई थिंक अभी टाइम आ चुका है गाइस बड़ी वाली पार्किंग अनलॉक करने का। तो पार्किंग अपने को मिलेगी कहाँ, यहाँ पे 8 पॉइंट्स वाली पार्किंग अनलॉक कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पार्किंग वाली। आई हैव नो आइडिया कि इसके अंदर कितने व्हीकल्स जो पार्क हो सकते हैं, बाकी ये काफ़ी बड़ा स्पेस लेती है, ओके। ओवरलैपिंग आइटम हो भाई, ओके। तो ये वाले आई थिंक कॉर्नर पे अगर मैं इसको डाल दूँ तो कैसा रहेगा, कितना आप मतलब पार्क करवा सकते हैं इसके अंदर अपन गाड़ियाँ। 416 सीरियसली, इसके अंदर कितनी आ रही थी, 200 यार। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर देखा जाए तो ज़्यादा होना चाहिए था ना, 500-700 तो करवा ही देते भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे देखा जाए तो फिक्स पे अड़ जाएगा ना बिल्डिंगों के बीच में, राइट। ये बिल्डिंग अगर आप मैं मान लो यहाँ पे डालना चाहूँ तो क्या आ सकती है, हैं, ऑलरेडी बिल्ट, क्या एक ही बनवा सकते भे ये भाई, ये क्या सीन है, ऑटोमेटेड पार्किंग ड्यूड्स ऑलरेडी बिल्ट, व्हाट द हेक, OMG, इन पे तो किसी पे नहीं आ रहा ऑलरेडी बिल्ट, क्या एक ही बिल्डिंग बनवा सकता हूँ मैं ये, सीरियसली भाई, ये क्या बग वग है कि क्या भाई, मेरे को बताना, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार इसका क्या सीन है ये। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बग ही होगा शायद से, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि एक ही पार्किंग बने, मल्टीपल दे सकते शायद से अपन लोग यार, नो आइडिया। चलो कोई नहीं, अभी बाकी मैं छोड़ देता हूँ। और इधर वाली जो है ना, ये वाली पार्किंग्स, ये वाले डिलीट कर रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है, ये वाले दो मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सब चलने देता हूँ। और ऑल्सो मैंने यहाँ से रोड बिल्ड कर दी है, जो कि लास्ट टाइम बग और था, बन नहीं रहा था, लेकिन पानी स्टिल है यहाँ पे, बाकी रोड बन गई इधर, ओके। तो ये थोड़ा सा जो है मैंने इम्प्रूवमेंट करा था, बाकी यहाँ पे मेरे को ऐसा लगा थोड़ी सी शॉप्स खुलवा देता हूँ, यहाँ पे डिमांड्स वगैरह अपने पास ना हर चीज़ की आ रखी है डिमांड्स, ठीक है। स्पेशल शॉप्स भाई, छोटी वाली शॉप्स डालूंगा मैं, आप बड़े वाले नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटे बनवा देता हूँ मैं इधर, और ड्यूड्स पीछे वाले पे बनवा दो जरा, डन, नाइस। तो ये वाला सीन आई थिंक अपना सही हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑल्सो मैं इंक्रीज वो करवा देता हूँ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट बनवा देता हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अपनी बनेगी आई थिंक यहाँ से कहीं से लेते हैं इधर, ठीक है। और ये वाले कंप्लीट एरिया की डिस्ट्रिक्ट जो है अपन अलग से देने वाले गाइस, ओके। चलो भाई यहाँ तक आई थिंक 4, हाँ ठीक है, इधर रख लेते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी का अगर मैं दे दूँ यहाँ पे तो कैसा होएगा, मतलब सीन इधर क्या दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी, नो, ये वाली नहीं दे सकते इसके अंदर, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह वो सभी बनी हुई है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। बस मैं यहाँ पे डालता हूँ पार्किंग का, रोड साइड पार्किंग अपन यहाँ पे जरूर लेंगे, और उसका प्राइस रहेगा अपना आई थिंक 25 और मे बी 30 ले रहा हूँ मैं इधर, ठीक है। एंड देखते हैं इसके अंदर कितनी गाड़ियाँ जा रही है, अभी जाना स्टार्ट हो चुकी हैं गाड़ियाँ। बाकी मेरा तो प्लान था इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूँ या फिर इधर, और ये वाली पार्किंग को अपन देते हैं इधर कहीं पे, या फिर इधर पीछे की साइड में, क्योंकि इधर अपने पास बड़ा वाला पार्किंग ऑलरेडी है, दैट्स वाई मे बी। चल आई थिंक अभी ठीक रहेगा, ओके। तो अपन चाहे तो यहाँ पे भी शॉप्स वगैरह थोड़ी सी खुलवा सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे अपन शॉप्स डाल सकते हैं,
थोड़ी छोटी वाली शॉप से डाल लेंगे मेरे प्लान है। बड़ी वाली तो खैर नहीं खुलवा रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं बड़ी वाली वर्थ इट है यहाँ पे। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं पीछे से, इसके अंदर शॉप्स बनवा देता हूँ मैं। ठीक है ना, आजू बाजू सारी शॉप्स हो जाएंगी ना तो थोड़ा कूल लगेगा ये देखने में भी। और मे बी जे वाले पे मैं बनवा देता हूँ ऑल्सो, जे वाले पे भी हम सेट कर देते हैं। ये माइनस, ये माइनस, ठीक है आई थिंक सो। यहाँ पे अभी कूल सीन बैठ जाना चाहिए राइट। ये सारा सारा सेट बैठ गया। यहाँ पे क्राइम हुआ है जस्ट अभी अभी। यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? पुलिस स्टेशन है गाइस यहाँ पे, और इसके अंदर गाड़ियाँ भी। ठीक है तो यार यहाँ पे ये वाली यूनिवर्सिटी है ना, तो ये वाले इसका नाम मैं रख रहा हूँ, इसका नाम गाइस मैं रख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ सब्सक्राइब करो। ठीक है यार ये नाम किसी बंदे ने कुछ टाइम पहले सजेस्ट करा था, ठीक है स्क्रीन पर दिख जाएगा तुमको। एंड भाई काफ़ी काफ़ी कूल नाम है, और ये मेरे को याद था कि भाई ये नाम रखना है अपने को। ठीक है ये वाला स्पेशली यूनिवर्सिटी वाले एरिया पे ग्रेट। और भाई यहाँ पे मैंने बड़ी वाली पार्किंग भी डाली हुई है वैसे देखा जाए तो, है ना। यहाँ पे गाड़ी वैसे पार्क हो रही है यार। ये वाली बिल्डिंग क्या हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं? ओ नाइस यार, ये वाली बिल्डिंग वहाँ पे सेट हो सकती है ना। बाकी यहाँ पे भी ठीक ही है, छोड़ते हैं चक्कर, इसको इधर रख लेते हैं क्योंकि आजू बाजू दो पार्किंग हुई, दैट्स वाई एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी होगी। अपनी मल्टीपल पार्किंग्स हो गई भाई, अभी तो सब लोग पार्क करने चाहिए, फिर भी गाड़ी इतनी सारी खड़ी है ना यहाँ पे, दैट्स वाई। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ का सीन तो आज अपन डन करवा ही देते हैं ना ये वाले एपिसोड में फटाफट से। आ जाओ भाई जरा इधर, ये वाला एरिया कंप्लीट उठा लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इसके इधर। और भाई तू आ जा जरा यहाँ कहीं से, इसको घुमा फिरा के ले आते हैं इस वाले रास्ते पे, और स्ट्रेट आ जाएंगे अपन यहाँ पे। ठीक है ऑल्सो अगर अपन चाहें तो बाद में, वैसे यहाँ से तो आगे लेके जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अपने को राइट, है ना। तो यहाँ पे अपना एक ब्लॉक बन के रेडी हो गया है, और अपन इसको और भी छोटा करवा देते हैं, ज़्यादा बड़ा रखने की भी अपने को ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे ऑल्सो मैं सेट करने वाला हूँ अभी चल के, और ये वाला सार सार कनेक्टेड है ना, यहाँ से बंदे आ जा सकते हैं मे बी यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। ये अच्छा सीन लगा यार मेरे को इनका ना, कि कहीं से बंदे आ जा सकते हैं इसके अंदर। तो चलो भाई मैं इधर चल के मीडियम डेंसिटी की बिल्डिंग्स बनवाने वाला हूँ, और मे बी एक कमर्शियल शॉप का आई थिंक ये वाला सेक्शन दे देते कंप्लीट। ठीक है ये वाला कमर्शियल शॉप के लिए अपना हो जाएगा, और फिर इसके बाद चलते हैं मीडियम डेंसिटी बिल्डिंग। आई थिंक ये वाले सारे ब्लॉक डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ओ नाइस, न्यू सिग्नेचर बिल्डिंग अवेलेबल, ऑल फैक्ट्री कॉन्डोज एंड ओल्ड फैक्ट्री कन्वर्टेड इनटू लग्जरियस लिविंग स्पेस दैट स्पार्क जॉय इन देयर इनहेबिटेंट्स। ओ बाय नाइस, एक सेकेंड, ये यूनिक बिल्डिंग कहाँ से मिलती है भाई अपने को? यहाँ से मिलती है ना कहीं से, क्या बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगी? वो बढ़िया यार यहाँ पे साइड बैठ रही है मे बी लिविंग एरिया राइट। ओके तो इसको ना यहाँ पे डालता हूँ वहीं पे। तो आई थिंक इसका कुछ रेंज वगैरह था क्या? नहीं, 2 किलोमीटर का रेंज था। 2 किलोमीटर कितनी दूर बनेगा? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इसके अंदर नापने सापने का कुछ पता नहीं मेरे को भाई। और ये क्या है? यूरोपियन गार्डन। चलो इसको बाद में देता हूँ, पहले इधर अपनी सेट करवा लेते। क्या इसकी डिमांड कंप्लीट हो गई है? मे बी मे बी मे बी। इसके बीच में ना ये वाला ब्लॉक हाई डेंसिटी रख लेता हूँ मैं। ओके आई थिंक ये रहेगा सुपर कूल। बाकी यार इसको बताना, इसका मेरे को बताना कि क्या सीन है भाई ये ऑटोमेटेड पार्किंग का, मल्टीपल क्यों नहीं दे पा रहा मैं? इसका थोड़ा सा सीन बताना मेरे को अगर किसी को पता चले तो। ठीक है बाकी मेरे को लग रहा है एक पार्किंग ऑल्सो यहाँ पे देनी पड़ेगी अपने को, जो कि रहेगी अंडरग्राउंड। ठीक है अंडरग्राउंड आई थिंक कूल रहती है यार पार्किंग मेरे हिसाब से तो। बाकी यहाँ पे अगर दूर पड़ जाए तो इन लोगों के लिए छोटी सी पार्किंग और डलवा सकता मैं साइड में। बाकी इस वाले एरिया के लिए पार्क्स वगैरह यू नो वो सब भी डालते हैं अपन यहाँ पे चल के। तो यहाँ पे क्या क्या पार्क्स हैं भाई जरा? ओ वेट, कौन सा वाला पार्क था वो ज़्यादा छोटा वाला? ये लो भाई, 2 ग्रेड वाला पार्क था ये वाले ब्लॉक के अंदर मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाजू में चल के भाई ट्रीज डाल देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। ठीक है बुशेज वगैरह इसमें थोड़ा चैलेंजिंग भी भाई, एनर्की नहीं है ना तो थोड़ा मुश्किल रहता है ट्रीज वगैरह डालना, वो बार बार रेड रेड आता रहता है, मिलता नहीं है सही से स्पॉट। ओ भाई मिल जा प्लीज नाइस, मेरे को लगता नहीं इधर मिल पाएगा अपने को। बाकी आई थिंक यहाँ पे एक छोटा वाला होता है ना, हाँ ये वाला ठीक है भाई ये वाला। अच्छा ये ग्रीन ग्रीन ज़्यादा है, मतलब पर्पल ज़्यादा है ना ये, दैट्स वाई थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। थोड़ा सा ये वाला एरिया को भर देता हूँ मैं ताकि रखिएगा यहाँ पे कूल वन। आई थिंक एक इधर आ जा प्लीज़, नहीं आएगा पता। चलो भाई यहाँ थोड़ी सी ट्रीज डाल दी मैंने, और ये लो भाई थोड़ा सा खेलने के लिए यहाँ पे हो जाएगा आउटडोर जिम। अच्छा जिम करने के लिए, अरे नाइस ठीक है, तो जिम सिम कर सकते लोग यहाँ पे मस्त। इसके बाद आई थिंक स्कूल के पीछे मैं दे सकता हूँ क्या कुछ एक चीज़ें और मे बी? ये वाला तो यार अच्छा, ये ओ भाई 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 फिट बैठ रहा है भाई, फिट बैठ रहा है। चलो नाइस,
अच्छा यार ये भी थोड़ा सा वो ही हो जाएगा, स्केट पार्क राइट। हाँ तो थोड़ा चिल्ड्रंस वगैरह के लिए भी देते ना कुछ, चिल्ड्रंस वगैरह के लिए कहाँ पे मिलेगा भाई? स्मॉल पार्क। अच्छा स्मॉल पार्क, ओ बढ़िया बंदे, यहाँ पे चिल भी कर सकते हैं और चिल करते करते देख भी सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ रहे वढ़ रहे कि नहीं, है ना, नहीं पता चले स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही सही से, तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन सेट हो जाएगा अपना। चलो भाई दिखाओ ज़रा, जहाँ पे क्या मैं एक ये वाली शॉप डाल दूँ? आई हैव नो आइडिया, वी एड तो नहीं लगेगी कहीं यार वो वाली, विल सी। ग्रेट गाइस, तो चलो ये सीन अपना सेट हो गया, बाकी मेरे को ये वाले एरिया के अंदर कंप्लीट ट्रीज डालने की है, तो मैं यहाँ पे मैं ज़रूर जो है ब्रूस का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेता हूँ, 70% पे कर लेता हूँ। इसको ले आते हैं 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है यहाँ पे डाल देता हूँ मस्त एकदम। तो रोड के आसपास यू नो ट्रीज वगैरह रहेंगे तो देखने में काफ़ी कूल लगेगा, और इनको ना बड़ा होने में यार बहुत टाइम भी लगता है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं कम्प्लीटली फिल करवा देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे डलवाई थी ट्रीज, थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी, जैसे बड़ी सारी हो जाएंगी ना तो आई थिंक कूल लगेगी यहाँ पे, आई थिंक इनफ होना चाहिए। और स्पेशली गाइस सिमेट्री मतलब ये वाले एरिया में नहीं थी अपने पास, तो हेल्थ केयर पे चलते हैं, और ये था मेडिकल क्लिनिक ठीक है, तो यहाँ पे ये था अपने पास सिमेट्री राइट, ये वाली थी अपने पास, क्रिमेटोरियम नहीं है। वैसे अपन यहाँ पे सिमेट्री बनवा सकते गाइस, ओके यार ये वाला एरिया मेरे को ऐसा लगेगा कि मस्त लगेगा यार गाइस यहाँ पे, मतलब कूल लगेगा है ना। ओके एक काम कर तो यार इधर हो जा ड्यूड, स्नैपिंग वनैपिंग बंद करो भे यार। आई थिंक मैं इसको डाल रहा हूँ कहाँ पे, यहाँ पे जे वाले कंप्लीट एरिया में ठीक है, आ जाओ भाई जरा। इसके बाद में अगर कुछ बनवाना होगा तो देख लेंगे, बाकी मेरे को लगता है ये वाली यहाँ पे मस्त रहनी चाहिए। ओके सो आई थिंक यहाँ पे तो ये वाला रोड भी चल जाएगा ना, नहर वाला राइट, हाँ नहर वाला चल जाएगा, तो चलो देखी जाएगी। यहाँ पे मैं नहर वाला बनवा रहा हूँ, ये वाली सिमेट्री भी नहीं रहा यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पे कुछ पार्किंग सार्किंग डालने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैं चल के सिंपल क्या कर देता हूँ कि डालता हूँ यहाँ पे ट्रीज। ये आई थिंक सेट हो चुका है यहाँ पे अपना नज़ारा। ओके इसके अलावा अपन चाहें तो इसके आगे भी थोड़े से पार्क्स वगैरह डाल सकते हैं, अपने पास काफ़ी छोटे छोटे से हैं ये वाले। ओके चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कॉर्नर पे मैं डाल देता हूँ, ओ भाई तो भी ज़्यादा बड़ा, एक इधर डाल देते हैं ग्रेट, बाकी डाल देते हैं इसके अंदर ट्रीज। चलो भाई जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैंने उतनी इसके अंदर ट्री डाल दी है, बाकी बड़ी होएंगे तो देखते हैं। और यहाँ पे बंदे बंदे अभी आने जाने स्टार्ट हो गए कि नहीं भाई, 25 बंदे हैं ठीक है बस के अंदर, 22 बंदे हैं नाइस, इस वाले के अंदर कितने हैं 17 बंदे हैं ठीक है, ये वाले के अंदर 15 बंदे हैं, 9 बंदे हैं यहाँ पे नीचे वाली बस के अंदर, देख नहीं सकता क्या, मैं भी नहीं देख सकते, 11 बंदे हैं, 15, 25 ठीक है, मतलब ये वाली लाइन ऑल्सो कूल चल रही है अपनी राइट। तो चलो आई थिंक मेरे हिसाब से सब कुछ सही चलना चाहिए, और यहाँ से कोई गाड़ी निकली है क्या, लेकिन व्हीकल इन यूज़, वैसे यार यहाँ की गाड़ी निकलनी तो चाहिए क्योंकि यहाँ पे जरूरत है। अच्छा यहाँ से कहीं और से आ रही है ना गाड़ी, कहाँ पे है ये गाड़ी, ओके मतलब ये गाड़ी यहाँ पे और पूरा यहाँ से जाएगी राइट, तो ये वाली के लिए मैंने अलग से सेट कर दी फिर ये वाली ठीक है, ताकि उनको ना ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, एटलीस्ट यहाँ पे एकदम मस्त चलेगी। ओ भाई नाइस, मस्त लग रही है यार ये वाली बिल्डिंग बड़ी वाली, इसके बाजू में है ना, आजू बाजू में एक बीच में बड़ी वाली बिल्डिंग से मे बी, या फिर मल्टीपल दे सकते हैं आई थिंक, यहाँ पे एक बिल्डिंग और बनवा सकता हूँ क्या मैं। वैसे देखा जाए तो अपने पास यार बड़ी वाली डिमांड चली गई, मीडियम डेंसिटी की अपने पास यहाँ पे डिमांड है, तो मीडियम डेंसिटी चाहे तो और भी बनवा सकते हैं अपन, बाकी तो ठीक है। आजो भाई जरा थोड़ा सीन सेट करना गाइस मेरे को यहाँ पर, जस्ट यहाँ से यहाँ पे एकदम सही से सेट हो गया है, और इसके आगे तो मे बी ट्रीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी मैं इधर छोड़ देता हूँ ये वाले एरिया में थोड़ा सा सही से फिल करवा देता हूँ एक बार और फिर से। ये वाली एल्डर ट्री जरा एट यहाँ पे फिल करवा दो जरा, इसके बाद में ये वाले एरिया में जितनी पॉसिबल हो सकती हैं ठीक है, यहाँ पे बड़ी हो जाएंगी ट्रीज, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया पड़ा हुआ है इधर भी डाल सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी टाइम पहले थोड़ी सी डेकोरेशन भी और की थी, जैसे फ्री टाइम मिलता है ना मैं कर देता हूँ ये छोटे छोटे जगह पे, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज की ज़रूरत है, पीछे शायद आ नहीं रही अभी, दूसरे वगैरह आ सकते हैं, बाकी जैसे इसके बीच में डाल सकते हैं कुछ एक ट्रीज यू नो राइट, इस तरह से कई बार जगह बच जाती है बीच में। और सिटी स्काईलाइन 2 के अंदर तो भाई सब कुछ मस्त दिखता है, भले ट्री भी मत डालो फिर भी मस्त लगती है बिल्डिंग्स वगैरह वो सब काफ़ी काफ़ी ऑसम है इसके अंदर राइट। तो यहाँ पे यार स्टिल बंदे पार्क कर रहे हो, कितनी पार्किंग हो चुकी है, अच्छा ये फुल हो चुका है, ये वाले के अंदर कितनी है 85, इसके अंदर कम है वैसे देखा जाए तो ना, ये वाले पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ियाँ। एंड गाइस स्पेशली ये वाले पार्क्स के अंदर भी मेरे को बंदे बंदे नजर आते नहीं, पता नहीं ये वाली लेडीज़ कहाँ पे खड़ी हुई है भाई, कहाँ पे खड़ी हुई है, बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर ही खड़ी हुई। अच्छा ओ तो खेलना भाई खड़े होके क्या होता है, खेलना भी होता है लोल भाई। पेट्रोल पंप खोल गए गाइस, यहाँ पे दो दो पेट्रोल पंप खोल दिए भाई हमने, कोई बंदा बोल रहा था भाई पेट्रोल पंप बनवा दो, तो लो भाई दो दो पेट्रोल पंप खुलवा दिए मैंने यहाँ पे। ओके इसके अलावा और कहाँ पे खुला है, ओ यहाँ पे खुला, एक तीन हो गए, एक यहाँ पे खुला हुआ, चार हो गए, जस्ट एक बंदा भरवा रहा है, भरवाएगा पेट्रोल भरवा ले भाई, अच्छा लेडीज घूम रही है यहाँ पे ठीक है भाई। चलो यहाँ पे खुल चुके, ओ नाइस मल्टीपल जगह खुलवा दी यार हमने पेट्रोल पंप, कैसी बात कर रहे हो गाइस ठीक है।
तो आई थिंक गाइस ये वाला ब्लॉक काफ़ी मस्त सेट हो गया अपना। तो धीरे धीरे इसी तरह सिटी अपने आगे तक एक्सपेंड भी होती हुई चलेगी, है ना। तो ये वाला एरिया भी ऑल्सो फिक्स हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? आई थिंक एक सीजन तो लग ही जाएगा इसका पोल्यूशन वगैरह खत्म होने में। बाकी एक बार और चल के अपन टैप पे देख लेते हैं अगर स्पेशल कुछ हो तो, मतलब यहाँ पे एडवांस वाटर पंपिंग स्टेशन। नहीं, ये तो वाला सरफेस का वाटर निकलवाने के लिए, जैसे ये है ग्राउंड वाला, है ना। तो आई थिंक यही था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, राइट। फिर भी यहाँ पे अपन चल के देख सकते हैं एक बार ही। यस, यहाँ पे और ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पे ये क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेसिंग। ओ भाई, द इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी कलेक्ट एंड हैंडल टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओ, एज ए रिजल्ट द ग्राउंड पोल्यूशन प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज लोअर्ड। ओके, तो मतलब ये वाला बनवा देंगे ना अपन स्पेशली, है ना। तो फिर क्या होएगा? ओ भाई रुको, यहाँ पे क्या चल रहा है बे? हर्सेज की हर जगह जरूरत है। 15 की 15 यूज में, यहाँ से 4 यूज में। ओके, मतलब यहाँ पे जरूरत है फिर अपने को ना, राइट। तो आ जा भाई जरा डिस्ट्रिक्ट, एक काम करते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट में काम करो भाई, ठीक है। ओ नो, फिर ये वाला एरिया बच जाएगा। एक बार डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने के बाद ना गड़बड़ हो जाती है जिसके अंदर। ओके, तो चलो कोई नहीं, डिस्ट्रिक्ट में डलवा देता हूँ। चलो ये मल्टीपल डलवा दी मैंने, जैसे मान लो इतने एरिया में, ठीक है। ये फार्म पे ले लेते हैं इसको, राइट। उसके बाद बाकी बची ये वाली, है ना, ये वाली बाकी जगह हैंडल कर लेगी, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी सारे डलवा दिए हैं। अब और कहीं पे जरूरत पड़ी ना तो फिर अपनी यहीं से गाड़ी जाएगी, ठीक है, ये वाली के अंदर से। तो 15 गाड़ी आई थिंक उसके अंदर, गाड़ी वाड़ी एक्सपेंड करने का कोई सीन था इससे, क्या होता था बाय द वे? ये बिल्डिंग मैंने डलवा दी थी इसके अंदर ऑलरेडी। ये क्या था, इस सेट ऑफ वॉल्स स्टोरिंग इक्विपमेंट्स ऑफ ब्रिकेज। नहीं, ये वाला तो अभी अपन लोग नहीं कर सकते, खैर ठीक है। अट्रैक्टिवनेस वगैरह वो सब तो इंक्रीज करवा दिया उन्हें इसकी। बाकी और व्हीकल्स वगैरह तो नहीं डलवा सकता मैं इसके अंदर। विल सी देखते हैं और कितना टाइम लगता है भाई यहाँ पे। आई थिंक जरूरत पड़ेगी ना तो क्रिमेटोरियम फिर मैं आई थिंक यहाँ पे डलवा दूंगा। चलो एक काम करते हैं ना, डलवा ही देते हैं, देखी जाएगी। छोड़ो चक्कर भाई, आ जाओ इधर, आ जाओ जरा फटाफट क्रिमेटोरियम की तरह भाई, दिखाओ जरा। ये रहा, एक ही पॉइंट लेता है भाई, ज़्यादा भी नहीं लेता भाई। क्या ही सीन था भाई, ये पहले बनवा देते भाई अपन, यही था ना क्रिमेटोरियम। यस, और ये कुछ ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है, ठीक है। इसको अपन कहीं पर डलवा दूँ भाई, मैं इसको इधर डलवा देता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ से मस्त हैंडल कर लेनी चाहिए। अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट में सेट कर सकता हूँ, बट मैं करूँगा नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। अभी देखते हैं अपग्रेड्स क्या हैं इसके। रेफ्रिजरेटर एक्सपेंशन, ओके, 25 कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज 20 का स्टोर कर दो, 45 हो गई, ठीक है। हर्सेस इंक्रीज 5 इंक्रीज करवा दो, इसके अंदर 10 की कैपेसिटी है आई थिंक। अरे ले आओ भाई तुम, चिल करो। आई थिंक इसके अंदर लो भाई, लो डबल लो तुम लोग एडिशनल। ओके, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ओ भाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी 100 बॉडीज ए मंथ, ओ माई गॉड। 50 और इंक्रीज करवा सकता हूँ इसके अंदर ही डाल के। हाँ, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये इतना अपना मस्त बिल्डिंग सेट हो गया ना, एक सेकंड दे दो मेरे को, इसके चार साइड में पाथ कनेक्ट करता हूँ, मस्त लगेगा। जे हुई ना बात, मस्त लग रहा है ना यहाँ पे। एंड ऑल्सो इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, और आई हैव नो आइडिया, इसको भी ले आऊँगे यहाँ पे। विल सी, आई थिंक यहाँ से ऑल्सो मैं ले लेता हूँ इसको इधर। लो भाई, हम लोग घूमते फिरते यहाँ से चढ़ गए ऊपर भाई, कोई गिर मत जाना फिसल फिसल के, ठीक है। यहाँ तक हम लोग चढ़ चुके हैं मस्त। चलो गाइस, आई थिंक यहाँ पे अपना एकदम मस्त सेट हो चुका है, ग्रेट। तो इसके अलावा आई थिंक सो कि यहाँ पे अपने कुछ और करने की जरूरत नहीं। और आई होप सो गाइस आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा। ओके, और पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और हम लोग जल्दी मिलेंगे ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए आई थिंक बाय बाय एंड एंजॉय कर लो भाई। थोड़ा सा आई थिंक सिनेमैटिक व्यू भी दे देते हैं, ठीक है। लास्ट कुछ एक एपिसोड में मैंने दिया नहीं था, ओके, क्योंकि वो बग का इशू आ रहा था, वो रेंडरिंग वाला, उसमें होता नहीं फिर सही से, ठीक है। तो आज मैं दे देता हूँ, चलो कोई नहीं, एंजॉय।